हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक के बारे में अगर आप घर वालों से भी पूछ लोगे जाके तो ये कुछ ना कुछ आपको एडवाइस ज़रूर दे देंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ पानी में नींबू और शहद मिलाने से आपका वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है या नहीं होता है, यह है क्या असली में। तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ये बहुत चीज़ सुनी थी लोगों से कि पानी में शहद डालने के, गर्म पानी, ठंडा पानी, आप कोई भी मान लो, अपने दिमाग में पानी की बात कर रहा हूँ मैं, शहद डालने से, नींबू डालने से आपका फैट लॉस होगा। तो जब आप खाली पेट सुबह उठते हो तो पूरी रात आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेज पर रहती है। आप 6 घंटा सोते हो, 7 घंटा सोते हो, 8 घंटा सोते हो तो एक फास्टिंग स्टेज पर है। तो अगर आप सुबह नींबू और शहद और पानी में ये सब मिला के पियोगे तो आपका फैट लॉस होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये चीज़ बिल्कुल फैट लॉस या वेट लॉस के लिए कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हो और आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। चलो एग्जांपल लगाते हैं। अगर मैं सुबह नींबू और शहद और गर्म पानी, नॉर्मल पानी, ठंडे पानी में कुछ भी डाल के पीऊँगा तो मेरा वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा? नहीं। इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिल सकता है? इससे मेरे को मेरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा। नींबू से क्या होगा, मुझे इलेक्ट्रॉलाइट मिल जाएंगे, और पानी से क्या होगा, मैं हाइड्रेटेड रहूँगा। और इसका आपकी फैट लॉस में कौन सा काम है? कोई भी नहीं। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपको वेट लॉस क्यों करना है। आपकी कोई बीमारी है उसकी वजह से आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपको कोई दिक्कत है उसकी वजह से, या आप वैसे खा खा के आप गलत फूड की वजह से इतने मोटे हो चुके हो। अगर आप गलत फूड की वजह से, खाने की वजह से, आपको पता है आप पूरी ज़िंदगी रोटी चावल खाते आ रहे हो या पूरे दिन बैठे रहते हो, आपका कोई लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, आप पूरे दिन वर्कआउट नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मोटे हो गए हो इस वजह से टाइम के हिसाब से, तो किस वजह से हुआ है? वो खाने की वजह से हुआ है। अब वो ठीक किससे होगा? वो खाने से होगा। अगर आप उस सारी गलतियों को सिर्फ एक नींबू पानी से ठीक करना चाहते हो तो भाई कट रहा है आपका बढ़िया वाला चूतिया, आपका बढ़िया वाला कट रहा है भाई। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, सबसे पहले जान लो आप गलती कहाँ कर रहे हो आपने न्यूट्रिशन पे। अगर आप न्यूट्रिशन से आप जिम नहीं जा रहे हो तो आपको बहुत कॉमन न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, लाइक प्रोटीन नॉर्मल लेना पड़ेगा, हाई प्रोटीन नॉट बी क्लास कार्ब्स लेने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब लो, फैट लेने पड़ेंगे, हेल्दी फैट जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आप एक बिगिनर हो जिम में, इंटीमेट हो या एडवांस हो, तो फिर तो आपको बिल्कुल अलग ही न्यूट्रिशन लेवल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली एक्टिविटी से कुछ अलग कर रहे हो, आपकी बॉडी अलग कर रही है, तो आपको बिल्कुल ही न्यूट्रिशन पर ध्यान देना पड़ेगा जब बात आती है फैट लॉस की। तो अगर आपको फैट प्रॉपर तरीके से फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो सबसे ज़रूरी है गाइस आपने अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो सबसे ज़रूरी है आपकी गाइस आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो। पूरी 24 घंटे आप जिम में जाकर वर्कआउट करो, कार्डियो करो, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो आपका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस आप कर भी सकते हो, भूखा रह के, गंदगी वाली चीज़ जो सबसे गंदी चीज़ है, टट्टी चीज़ होती है, मत करो वेट लॉस, हमेशा फैट लॉस पर ध्यान दो ताकि आप अपनी मसल को बिल्कुल ना खो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। नमक हो या नींबू पानी या हनी वाला जो भी नुस्खा है, ये 1% आपका डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। सुबह आपको हाइड्रेटेड रह सकता है, आपको इलेक्ट्रो भी रख सकता है। अगर मैं बात करूँ वेट लॉस और फैट लॉस की, गलत जा रहे हो बिल्कुल। तो ये थी गाइस वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपना वेट लॉस, फैट लॉस कैसे कर सकते हो प्रॉपरली, जो ये मिथ है उसको भूल जाओ। अगर आपको कुछ करना है तो ये 2023 आ चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।